भारतीय सेना लाहौर पहुंची भी, लेकिन युद्ध विराम घोषित कर दी। भारत की सरकार और सेना ने उस दिन अमन, चैन और सम्मान को चुना। कौन थे ये अजय सैनिक जिन्होंने एक ही बार में पूरी जंग का रुख बदल दिया? ये सैनिक थे जाट रेजिमेंट के। जाट रेजिमेंट हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और सबसे सम्मानित रेजिमेंट्स में से एक है, जो ना सिर्फ जानी जाती है अपने सैनिकों की बहादुरी के लिए, बल्कि उन तमाम चुनौतियों के लिए भी जिन्हें पूरा कर ये बने जाट पलवान हिंद की शान। ये जवान अनुमान हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के ही होते हैं। जाट रेजिमेंटल सेंटर, जहां पर कि एक रिक्रूट नया गांव से आता है, 18 साल का लड़का आता है और वो एक्चुअल में ट्रेंड सोल्जर बन के यहां से निकलता है और वो फिर बाकी आगे जैसा भी मौका मिलता है लड़ाई में हिस्सा लेता है या वेरियस ट्रेनिंग इवेंट्स में हिस्सा लेता है। तो मुझे इससे बेहतर प्लेस और कोई लगती नहीं थी। पीढ़ियों से जाट समुदाय का पेशा जमींदारी, खेती और मवेशियों का पालन पोषण रहा है, लेकिन कब और कैसे इनकी धरती सैनिकों की जननी बन गई, ये दिलचस्प है। जब मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा था तो मुझे रेजिमेंट्स के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन मेरा एक हवलदार इंस्ट्रक्टर जो कि ड्रिल की ट्रेनिंग हमें देता था, उससे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। जिस प्रकार से वो ड्रेसअप होते थे, उनका टर्नआउट, उनका डिसिप्लिन और उनका पर्सनल कंडक्ट, इससे मैंने फैसला किया कि मैं जाट रेजिमेंट ज्वाइन करूंगा। और मुझे गर्व है कि अक्टूबर 2015 से मुझे जाट रेजिमेंट का कर्नल बनाया गया। जाट जिस इलाके से आते हैं वो इलाका कुदरती तौर पे बहुत कठिन इलाका था। ये वो इलाका था जहाँ से हिंदुस्तान पे जब भी कभी हमला हुआ तो लोग इसी तरफ से आए, विदेशी जो भी हैं। अब इसके दो नतीजे निकले कि जो कमज़ोर लोग थे वो ये इलाका छोड़ के चले गए, जो लोग यहाँ बचे वो शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे ऐसे बचे जो कि लड़ने के लिए तैयार, कठिनाई बर्दाश्त कर सकते थे और शरीर की तकलीफ को बर्दाश्त कर सकते। A good farmer cannot be a good farmer unless he has the ability to protect his farmlands. And a good soldier cannot be a good soldier unless he loves his, you know, motherland. So it is a very, very symbiotic relation, and it is equally true for Jats. Jat Raja, Raja Nahar Singh, सिर्फ कुछ 32 साल के थे जब 1857 की क्रांति की आग में उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया। अंग्रेजों ने कई बार उनसे सौदा करने की कोशिश की, लेकिन नाहर सिंह का जमीर बिकाऊ नहीं था। उन्हें सूली चढ़ना मंजूर था, पर अंग्रेजों की गुलामी बिल्कुल नहीं। इससे अंग्रेज काफी परेशान हो गए और उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि जफर शाह, जो कि उस टाइम मुगल बादशाह थे, वो उनसे संधि करना चाहते हैं, और उनको दिल्ली बुलाया गया। जैसे ही वो पहुंचे उनको गिरफ्तार कर लिया और उनके विरुद्ध इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मुकदमा चलाया गया। और आखिरकार 9 जनवरी 1858 में दिल्ली के चांदनी चौक में सरेआम उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया और उनको दिल्ली के चांदनी चौक में फांसी दे दी गई। और वो जाटों के इतिहास में हमेशा एक वीर योद्धा माने जाएंगे, जिनकी मिसाल हमेशा कायम रहेगी। अंग्रेजों को जाट सैनिकों से हमेशा तगड़ा मुकाबला मिला, बावजूद इसके कि वो सैनिकों की बहादुरी के कायल थे और आगे चलकर उन्होंने जाट सैनिकों को अपनी फौज का हिस्सा बनाया।